तो इसको कैसे लिखेंगे 40,000। और मैंने आपको दो वेज सिखाया है वेज पर, फोर कौन से वेज पे था, फोर 10,000 था, तो क्या लिखना है 4 10,000। ओके, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। द सेकंड वन 6,70,539। तो अंडर लाइन किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। तो 7 कौन से प्लेस पर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो कैसे लिखेंगे 70,000 और सेम पे 7, 10,000। ओके, देन C1 7,42,330। अब 7 किसके प्लेस पर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 9 lakh, 7 lakh। और करके लिखना है 7 lakh। ओके, D1 82,5,35,444। अब तो कौन सी प्लेस पर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore। तो 2 कौन सी प्लेस पे हुआ, करोड़ की प्लेस पे, 2 करोड़। तो पीछे जितने भी डिजिट्स है उन्हें क्या डालने, आपको 0 डालने हैं, 2 करोड़ और 2 करोड़। ओके, आपको बोर्ड पे में अभी आपको लिखना है, E1 8,5,35,673। अब किसके नीचे अंडर लाइन है, 0 के नीचे अंडर लाइन है। अब 0 कौन से प्लेस पर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh। अब देखो 0 10 लाख के प्लेस पर है, तो 0 ऑलरेडी है, तो पीछे इतने 0 डालने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ 0। और करके 0 कौन से प्लेस पर था, 10 लाख, 0 10 लाख। ओके, F1 75,32,000, 75 करोड़ 32 लाख 54,829। अब अंदर लाइन किसके नीचे है, 7 के नीचे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore। तो 7 कौन से प्लेस पे हुआ, 10 करोड़, 7 करोड़ और 7, 10 करोड़। ओके, आपको समझ में आ गया फेस वैल्यू। वैसे इसी यहाँ पे आपको पूछा गया होगा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू में क्या करना है आपको, 4 की फेस वैल्यू लिखनी है, तो 4 की फेस वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी। सेम वे 7 का 7, यहाँ पे भी 7 है तो 7 आएगा, 2 है तो 2 का फेस वैल्यू 2, 0 का फेस वैल्यू 0 एंड 7 का फेस वैल्यू 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, करोड़
अब दूसरा है प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स, प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इज, सिक्स कौन सी प्लेस पर है, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, तो यहाँ पे 60,000 आएगा, 60,000. अब देखो जो प्लेस वैल्यू एट और सिक्स की फाइंड की है हमें उसका क्या करना है, सम एंड एज वेल एज डिफरेंस. तो आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ, प्लस 900,009. तो हाउ कैन वी रीड दिस, 9,900,000 डिफरेंस, 9 करोड़ माइनस 900, जीरो जीरो, जीरो में से 9 करनी होगा तो 10, यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा सब में. ओके, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जीरो है तो आपको क्या करते करते तो यहाँ पे अभी आप टेन कर देते हो, बट टेन नहीं आ रही क्योंकि हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे कट कर दिया है. टेन माइनस नाइन वन, नाइन 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 एंड एट, इसको कैसे रीड करेंगे, 8,99,99,100. ओके, तो सी एंड डी यू कैन डू योरसेल्फ. नंबर 6.1 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म. Thank you.
970. ओके एक्सपोनेंट फॉर्म हम लोग थोड़ा से सीखते आ रहे हैं. अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी बड़ी डिजिट्स है. आपको मैंने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक्सपोनेंट फॉर्म मैंने एक्सप्लेन किया था. आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट इज ए, तो ए के पीछे जितनी डिजिट्स है उतने जीरो भी डाल सकते हो. अदरवाइज बाकी के प्रोनाउंस उसको कैसे प्रोनाउंस करते हो, 85 लैक, तो ये कौन से प्लेस पे हुआ, लैक के प्लेस पे. तो क्या लिखना है, 80,5,30,000,4,900,1 कौन से प्लेस पे, 10, तो 10+7. ओके आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, अदरवाइज 8 है तो 8 की पहले लिखो और उसके पीछे जितनी डिजिट्स है उतने जीरो डालो. 80,00,+5,00,+30,000+4,000+900+10+7. ओके तो आपको यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप थोड़े से सीखते आ रहे हो. नंबर बी वन, 3,72,5,450. ओके अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डिजिट बढ़ गई है, करोड़ है, तो 3 करोड़ के नीचे जितने डिजिट्स है उतने जीरो डालो. अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि करोड़ में कितने जीरोस आते हैं, लाख में कितने जीरोस आते हैं, 10 लाख में जीरोस कैसे आते हैं. ओके तो यहाँ पे क्या है, 3 करोड़ 70 lakh+2 lakh+, अब देखो हमने जीरो अब तक तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है. 5,000+400+10+5. ओके द नेक्स्ट इज कैंडी, यू कैन डू योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैं आप लोगों को हर फर्स्ट सम्स है वो मैं यहाँ पे बॉर्ड पे करवा रही हूँ एंड लास्ट टू सम्स यू हैव टू डू योरसेल्फ. आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद रहेगा. क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा,
हंड्रेड के केस में कुछ नहीं है तो क्या डालना है, जीरो डालना है. अब थाउजेंड, थाउजेंड के केस में क्या है, थ्री. फिर टेन थाउजेंड के आगे टू और लैख के आगे फाइव. अब देखो आप सीधा कर सकते हो, फाइव लैख तो फाइव लैख, लैख के केस में क्या हो गया, फाइव आ गया. ट्वेंटी थाउजेंड, ट्वेंटी थाउजेंड, ट्वेंटी थाउजेंड के प्लेस में टू. फिर थ्री थाउजेंड, तो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड हम लोग रीड कर सकते हैं, तो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड. फिर यहाँ पे हंड्रेड आएगा, तो यहाँ पे हंड्रेड नहीं है, तो हम क्या रीड कर दे, फोर्टी टू. तो यहाँ पे हो गया फोर्टी टू. तो प्लीज आप ये मिस्टेक मत करना, अगर नहीं आता है तो आप वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड काउंट करके भी लिख सकते हो. अदरवाइज और एक इजी मेथड है, जैसे कि वंस, तो वंस में एक भी जीरो नहीं आता है, टेंस में वन जीरो, हंड्रेड में टू जीरो, थाउजेंड में थ्री. वैसे काउंट करते जाओगे और यहाँ पे आपको डिजिट्स लिख दी जानी है. ओके, नंबर बी वन, एट करो प्लस सेवेंटी लैख प्लस फोर थाउजेंड फोर लैख टेन थाउजेंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस एटी प्लस टू. ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है. अब देखो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंस है. फर्स्ट वन इज एट करोड़ सेवेंटी लैख फोर लैख टेन थाउजेंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी टू. ओके, अब हम लोग क्लास से शुरू करेंगे. वंस की प्लेस में क्या है, टू है, तो टू. टेंस की प्लेस में एट, एट. फिर हंड्रेड की प्लेस में क्या है, फाइव. फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा. ओके, अब थाउजेंड, थाउजेंड की प्लेस में क्या है, थ्री है, तो थाउजेंड की प्लेस में थ्री. टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड की प्लेस में क्या है, यहाँ पे वन, वन. अब देखो टेन थाउजेंड के आगे क्या आता है, लैख आता है, तो लैख में क्या है आगे, फोर. फिर लैख के आगे क्या आया, टेन लैख, टेन लैख में आगे यहाँ पे क्या है, सेवन. तो यहाँ पे सेवन. फिर कॉमा, अब देखो आगे क्या आना चाहिए, करोड़. तो यहाँ पे देख लो करोड़ में क्या है, एट. तो यहाँ पे एट, एट करोड़ सेवेंटी फोर लैख थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी टू, फाइव हंड्रेड एटी टू. ओके, अगेन डोंट डू मिस्टेक, आपको काउंट करना है तो आप काउंट कर सकते हो जीरोस, वन जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो, फोर जीरो, फाइव जीरो, सिक्स जीरो एंड सेवन जीरो. ओके, यहाँ पे कोई भी जीरो मिसिंग नहीं है तो आप सीधा भी लिख सकते हो, बट ये गलती मत करना. आपको अगर आता है तो पीछे से ही काउंट करके लिखना, वंस, टेंस, हंड्रेड, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी. कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता चल जाता है प्रोनाउंस करते ही, जैसे कि एक करोड़, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और बाद में आपको क्या करना है, एक बार टैली कर लेना है कि आपका आंसर सही है क्या गलत. नंबर सी वन, फोर करोड़ प्लस थ्री टेन लैक्स प्लस सेवन लैक्स प्लस सिक्स टेन थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस वन टेन एंड थ्री वंस. ओके, अब हमें क्या सी है, हमने लोग फर्स्ट टू डिजिट्स लिए है, उसमें क्या डाला था, जीरोस डाले थे. अब यहाँ पे क्या लिखा है, आपको वर्ड में लिख के दे दिया है, जैसे कि फोर करोड़ थ्री टेन लैक्स सेवन लैक्स सिक्स टेन थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन टेन एंड थ्री वंस. अब ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले क्या किया है, यहाँ पे पीछे लिख के ही दिया है वंस, टेंस, हंड्रेड. इट कैन बी अ वेरी ईजी फॉर यू. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो रहता है, आपको क्या करना पड़ता है, जीरो काउंट करना पड़ता है. तो यहाँ पे जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं है. तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट से शुरू करना है, वंस, टेंस करके, वन
टेंस में आगे वन, हंड्रेड के फाइव, फिर थाउजेंड में टू, टेन थाउजेंड पे सिक्स, लैक पे सेवन, टेन लैक पे थ्री एंड करोड़ पे फोर। ओके, तो ये आपके लिए क्या हो गया, बहुत इजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वर्ड भी दे दिया है, तो वर्ड में आपको लिखने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, नंबर डी वन, डी एंड ई, आप अपने हिसाब से एक बार प्रैक्टिस करो कि आपको समझ में आता है कि नहीं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। One, three, two, seven, five, one,
9 सेट ओके अब इसमें किसमें करना है इंटरनेशनल सिस्टम में क्लास 3 डिजिट कॉमा 3 डिजिट्स कॉमा एंड 2 डिजिट्स यहां पे कितनी डिजिट थी 2 तो आगे जितनी बचे वो डिजिट्स दोनों साथ में लेना है तो हाउ कैन वी रीड दैट 13,275,196 अब इसको किस में लिखना है नंबर में 6 अब आप लास्ट में शुरू कर सकते हो 646 तो कैसे लिखेंगे 646 फिर उसके आगे लिखो क्या लिखा है 223000 तो कैसे लिखेंगे 223 फिर कॉमा कर दिया मिलियन क्या लिखा है 4 तो हाउ कैन वी रीड 4,423,646 ओके अब आपको होमवर्क में क्या करना है Connected for the next week.